अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। इंडिया फिर से शॉक में चला गया है भाई। श्रीलंका ने उसको आज हरा ही दिया है ओडीआई में। T20 में बात नहीं हो रही है, ओडीआई में हरा ही दिया है। जेफरी वेंडरसन एक नया नाम सामने आया है, 6 विकेटें निकाल दी भाई ने और इंडिया की बैटिंग को तहस नहस करके रख दिया। इंडिया से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंडिया इतनी बुरी क्रिकेट खेलेगा। मैंने आपको पहले ओडीआई की बात भी बताया था कि मिडिल ऑर्डर इनका अच्छा नहीं चल रहा है। इनका मिडिल ऑर्डर में वो प्लेयर्स ही नहीं है जो मैच को आगे लेके जाए, जैसे हार्दिक पांड्या हो, जडेजा हो। एक्सपीरियंस प्लेयर्स इनके पास जब तक नहीं होंगे ये स्ट्रगल करेंगे। और वही हुआ, इंडिया आज 240 रन नहीं चेस कर पाया, 208 रन पे आउट हुआ, 32 रन से मैच हार गया। जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, शुभम दुबे, मतलब वॉशिंगटन सुंदर, कौन नहीं है भाई, मतलब सब प्लेयर्स मौजूद हैं। एग्जीक्यूशन में फेलियर हो रहा है या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ गया मिडिल ऑर्डर में इनके, कि अचानक से कोलैप्स करना शुरू कर रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इस टीम में और उस टीम में ज्यादा फर्क नहीं था। एक बुमराह का फर्क है बॉलिंग में, और अगर हार्दिक पांड्या तो एंड के मैच खेला भी नहीं था, जडेजा का फर्क हो सकता है, तो इतना बड़ा कोई फर्क तो नहीं आ गया। तो ऐसा क्या हो गया कि मिडिल ऑर्डर इनका चल ही नहीं पा रहा है? T20 में क्या ये लोग स्ट्रगल करना कम है और ODI में ज्यादा शुरू हो गए, नहीं पता। चैंपियंस ट्रॉफी ODI का फॉर्मेट है, ये इंडिया को अभी से बैठ कर सोचना पड़ेगा कि इनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है मिडिल ऑर्डर के बाद। मेरे हिसाब से तो भाई दो मसले हैं, एक आपके पास हार्दिक पांड्या होना चाहिए, दूसरा केएल राहुल, श्रेयस अय्यर में से एक बंदा खेले और बीच में कोई ऐसा बंदा आए जो मैच को निकाले, आगे निकाले और परफॉर्म करे इस तरीके से कि मैच में कोई चांस ही ना रह जाए किसी और बंदे का आने का। अब वो बंदा कौन हो सकता है ये इंडिया को खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत बेतहाशा हैं, मतलब एक ऑप्शन नहीं, बेतहाशा है। सूर्या कुमार यादव भी एक ऑप्शन है, क्योंकि वो ठीक है लंबा खेलने वाला नहीं है लेकिन वो एक इम्पैक्ट का प्लेयर है। अगर उसको नहीं लेना चाह रहे तो फिर उसके अलावा मेरे ख्याल से जडेजा को ऊपर भेज सके भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि जडेजा एक लंबी इनिंग्स खेलता है। लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा। अगर मैं बात करूं कि जसवाल को अगर ओपन करा दें, वैसे तो ईशन किशन था इनके पास एक अच्छा प्लेयर जो कि मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा खेलता था, उसको तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, वो नहीं है। तो फिर जसवाल को ऊपर लाएं और वन डाउन पे शुभम गिल को लाएं, फिर विराट कोहली को 4 नंबर पे ले आएं, इस तरीके से अपनी बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सेट कर सकते हैं। लेकिन जो बहरहाल आज हुआ है वो बहुत ही कोई अजीब सी बात हुई है कि हसरंगा की जगह जो बॉलर आया उसको 6 विकेटें निकाल के ले गया और पूरी इंडिया की बैटिंग को तहस नहस कर दिया, और इंडिया को समझ में नहीं आया कि गेम में वापस कैसे आना है। अब आखिरी वनडे रह गया, और इंडिया जीत भी जाता है तो वो 1-1 से सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। जो सीरीज इंडिया को 3-0 जीतनी चाहिए थी वो 1-1 से ड्रॉ हो जाएगी, बड़ी अलार्मिंग साइन है इंडिया के लिए। नंबर दो के अब इंडिया आगे करेगा क्या? पूरी टीम खिला दी है, नए प्लेयर्स तो नहीं लेके आएगा, ज़्यादा ODIs है नहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो पीछे अगर ये लोग शुभम गिल को या तो ओपन रखें या उसको अगर वन डाउन ले आए और जसवाल को ऊपर ले जाएं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर एक कंपोजिशन बच सकता है। दूसरा, हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पे इनको वापस आना पड़ेगा। और आज एक और मसला मुझे लगा कि बैटिंग ऑर्डर में मुझे समझ नहीं आया, केएल राहुल 7वें नंबर 6ठे नंबर का प्लेयर नहीं है भाई, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। आप उसको नीचे ले जाके क्या साबित करो? दुबे को ऊपर ले गए और राहुल को नीचे ले गए। राहुल इतना नीचे नहीं खेलता भाई, श्रेयस अय्यर ऊपर आता है और राहुल भी ऊपर आता है। श्रेयस अय्यर अगर 4 पे आ रहा है तो राहुल को 5 पे आना चाहिए या वाइस वर्सा कर ले। उनका नीचे कोई काम ही नहीं है भाई, वो इस तरह का प्लेयर नहीं है। नीचे काम है सिर्फ पांड्या का, और पांड्या को आप साइडलाइन कर लो जो चाहे कर लो, लेकिन वो आपका मैच विनर प्लेयर था, है, रहेगा। लाना ही पड़ेगा आपको पांड्या को इस टीम में अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में या वर्ल्ड कप में अगले कुछ करना है, क्योंकि आपके अभी प्लेयर्स इतने तैयार नहीं हुए, इतने डेवलप नहीं हुए। उनका मेंटल स्किल और जो स्किल सेट होता है ना ODI टेस्ट का, और मुश्किल है। T20 आसान है, ODI उससे मुश्किल, टेस्ट उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो आपको प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे जो आपको इन टूर्नामेंट्स में जिताएं। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा, विराट कोहली तो होगा, लेकिन उसके साथ आपको 2-3 ऐसे भी प्लेयर्स चाहिए जो कि आपको मैच निकाल के दे सकें। सब लोग अपना ख्याल रखें और तीसरे मैच में फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।